भूटान एक ऐसा देश जो भले ही दुनिया के कुछ गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विकास का अर्थ खुशियाँ माना जाता है। एक ऐसा देश जहाँ ना ही कोई भिखारी है और ना ही कोई बेघर लोग। दोस्तों, आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि भूटान देश का नाम भूटान नहीं है, केवल इंग्लिश में इसे भूटान के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका असली नाम दुर्क युल है। इसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। भूटान का कुल पॉपुलेशन तकरीबन 9 लाख है, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ये देश कभी किसी का गुलाम नहीं बना। यहाँ लोगों को टीवी, इंटरनेट और फोन्स की कोई परवाह ही नहीं है, और यहाँ लोग सोशल मीडिया लाइफ से अनजान हैं, क्योंकि यहाँ लोग सादा जीवन बिताना पसंद करते हैं। यहाँ इंटरनेट और टीवी को परमिशन सन 1999 में मिली थी। दोस्तों, भूटान में सिर्फ दो ही रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से 76% बुद्धिस्ट हैं और 24% हिंदू, और जहाँ लोग कभी भी झगड़ा नहीं करते। दोस्तों, जैसे कि आप ये जानते होंगे कि भूटान हिमालयस में बसा हुआ है, और इसी वजह से इसके चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, और इसी कारण ये जगह ट्रैकिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दुनिया भर से लोग यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। भूटान में अभी भी सरकार राजा और रानी ही चलाते हैं, जो पूरी देश की जिम्मेदारी संभालते हैं। यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। भूटान के लोग पेड़ों से बहुत ही लगाव रखते हैं, और इसी कारण उन्होंने एक घंटे में लगभग 50,000 पेड़ लगा दिए, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और साथ में भूटान के कानून के मुताबिक यहाँ पर 60% भाग में सिर्फ जंगल ही होने चाहिए। अभी भी भूटान में 70% भाग जंगल ही है। प्लास्टिक से जुड़ी कुछ चीज़ें जो कि सन 1999 से ही बैन किए जा चुके हैं, और तंबाकू पूरी तरह से यहाँ गैर कानूनी है। भूटान में टूरिस्ट बनकर जाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही कम लोगों को परमिशन मिलती है यहाँ जाने की, और साउथ ईस्ट एशिया से बाहर के टूरिस्ट को $250 प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज किया जाता है, और टूरिस्ट पर पूरी निगरानी रखी जाती है। भूटान में एक इंसान का कोई स्थायी जन्मदिन नहीं होता। सब लोग न्यू ईयर में ही अपना जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को कोई परवाह ही नहीं है अपनी उम्र की, और ना ही अपनी जन्म तिथि की। भूटान जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन परमिट ज़रूर चाहिए, क्योंकि भूटान की कोई अपनी सेना नहीं है। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है, और इस देश का मुख्य सहयोगी देश भी भारत है। भूटान में लड़कों के बदले लड़कियों को संपत्ति दी जाती है, और घर की मुखिया भी एक लड़की ही होती है, और दुकानों के साथ साथ बिजनेस भी लड़कियां ही संभालती हैं। भूटान में एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल मुफ्त है। कोई भी यहां पर फ्री में ट्रीटमेंट करा सकता है और फ्री में पढ़ाई कर सकता है। पारो भूटान का एकमात्र शहर जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं और रहना पसंद करते हैं, और भूटान का एकमात्र एयरपोर्ट भी पारो में ही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भूटान के बारे में ये रोचक और अनसुने तथ्य सुनकर कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही तमाम फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए देखते रहे स्पेसिफिक डिस्कवरी। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।